दोस्तों, एक एक्सीडेंटल फायर और मिसाइल जाके गिरती है पाकिस्तान में, और इसके बाद पूरे दुनिया में इस मिसाइल को लेके चर्चा शुरू हो जाती है। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, अभी का जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में तो आपको जरूर पता होगा। अब हुआ क्या कि भारत में ना मिसाइल के मेंटेनेंस रूटीन के दौरान एक एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, और फिर इसके बाद मिसाइल जाके गिरती है पाकिस्तान में, और इसके बाद आप देखोगे तो हर जगह इस मिसाइल को लेके बातें शुरू हो जाती हैं। तो यार, अब टाइम आ चुका है कि हम भी इस मिसाइल के बारे में बात कर लें। तो यार, इस वीडियो में हम लोग इसी मिसाइल की बात करने वाले हैं, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की बात करने वाले हैं, और यह भी समझेंगे कि यार ये अपने आप में कितनी खतरनाक है, और इसके सभी स्पेशल फीचर्स की भी बात करेंगे। बट यार, वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो और सबसे पहले ये बात करते हैं, इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा। तो देखिए, ब्रह का मतलब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी से है, और वहीं पे मोस का मतलब मोस्को नदी से है जो कि रूस में बहती है। अब आप देखोगे ना तो ये एक ज्वाइंट वेंचर था, यहाँ पे इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। अब ये एक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इसके साथ ही आप देखोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या फिर ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से लॉन्च हो सकती है, और इसकी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, यानी कि इसकी जो सटीकता है, इसको और खतरनाक बना देती है। अब इसके दूसरे फीचर्स की बात करेंगे तो इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक है, और इसके जो पहले के वर्जन्स थे उनकी रेंज करीब के 290-300 किलोमीटर तक होती थी, बट इन पे और काम किया गया है और डेवलप किया गया है, और इनकी रेंज को बढ़ा लिया गया है, और शायद और भी डेवलपमेंट चल रहा है और इसके रेंज को और बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसके वेट की बात करोगे तो इसका वेट है 2.5 टन, वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी 200 से 300 किलोग्राम, और हाँ, ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। अब इसके साथ ही अगर यहाँ पे इसकी स्पीड की बात करेंगे तो ये मिसाइल 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। अब ये जो मिसाइल है ना, इसकी लेंथ 9 मीटर है और इसका जो डायामीटर है वो 0.7 मीटर का है। अब ये मिसाइल ना फायर और फॉरगेट वाले प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि इसको एक बार लॉन्च कर देना है और उसके बाद भूल जाना है, मतलब कोई भी ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस फायर कर देना है और फिर इसके बाद ये अपने आप टारगेट पे चली जाएगी। अब इसके बाद आप देखोगे ना तो ये मिसाइल को आप जल से भी लॉन्च कर सकते हो, जमीन से भी कर सकते हो और हवा से भी कर सकते हो, यानी कि इसको जल, थल और नभ हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है, तो इस मिसाइल को और भी खास बना देता है। अब इसके बाद आप देखोगे ना तो इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले फिलीपींस के साथ एक डील की थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिलीपींस को हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। अब आप देखोगे ना तो आने वाले कुछ दिन में आपको कुछ और ऐसी डील देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखोगे ना तो ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ेगी, और हाँ, खास करके एशियन कंट्रीज जो है ना, उनके अंदर ये बातें पहले से हो रही है कि यार ब्रह्मोस मिसाइल लेना है हमको। तो देखते हैं धीरे धीरे ना, आने वाले कुछ दिनों में ना आपको ब्रह्मोस की डिमांड और बढ़ती हुई दिखेगी। वैसे आप क्या सोचते हो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो भी सोचते हो ना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बट जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।